वालेकुम दोस्तों, सीआईटी एडमिन के फैसला जो करता है हमारे खिलाफ, उस तो हमने बताया था सीआईटी अपील के पास भी हम जा सकते हैं, शुरू शुरू में बताया था आपको, और एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या तरीक़ाकार होगा, एसएससी को एप्लीकेशन देनी होगी, एसएससी जा सकता है याद रखिएगा, डिपार्टमेंट नहीं जा सकता, डिपार्टमेंट याद रखिएगा। तो एसएससी एप्लीकेशन देगा एफबीआर को, एफबीआर एक कमेटी बनाएगा 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन के, और इस कमेटी में कौन होगा, एडवोकेट वकील होंगे, सीए होगा, आईसीएमए होगा, आईटीपी इनकम टैक्स प्रैक्टिस करने वाले लोग होंगे, और जो अच्छे टैक्स पेयर्स हैं, यूनिलीवर पीएनजी इस टाइप के टैक्स पेयर्स होंगे, उनको भी लिया जाएगा, ताकि अच्छे लोगों का एक कमेटी बने। ये कमेटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके पूरी हियरिंग वगैरह करेगी और फिर एक रिपोर्ट बना के एफबीआर को देगी। एफबीआर पाबंद नहीं होगा इस रिपोर्ट का, एफबीआर इस रिपोर्ट को, इनकी रिकमेंडेशन को पढ़ेगा, उसके बाद एफबीआर एक ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर कर देगा। एसएससी इस ऑर्डर को चाहे तो कबूल करे, या एसएससी कह सकता है नहीं ये ऑर्डर सही नहीं है एफबीआर तुम्हारा, और एसएससी इसको एक्सेप्ट कर ले या अपील कह दे कि मैं नहीं कर रहा, और ये ऑर्डर को छोड़ दे और सारे प्रोसेस को अवॉइड कर दे, वॉइड कर दे, और दोबारा अपील में आ जाए। यानी ये अभी अपील का दरवाज़ा वही शुरू हो गया कि इस ऑर्डर के खिलाफ ही है। यानी आप ये सारा प्रोसेस चाहे तो एसएससी के पास इतनी पावर है कि पूरा नल कर दे, और दोबारा आप वहीं आ जाएंगे कहाँ पे, सीआईटी एडमिट के ऑर्डर के पास, और फिर आप सीआईटी अपील में चले जाएं। सीआईटी अपील में जा सकते हैं आप, और जाने के बाद वही होगा, अपील का डिसीजन होगा। अगर आपके फेवर में हुआ तो डिपार्टमेंट की आग लग जाएगी, डिपार्टमेंट आईटी आईटी चला जाएगा, है ना। सीआईटी अपील अगर आपको फेवर करेगा, और आपके फेवर में नहीं हुआ, आपने सीआईटी अपील ने डिपार्टमेंट को फेवर किया, तो क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट जो है खुश हो जाएगा, लेकिन आप आईटी आईटी के पास चले जाओगे। मैं समझाता हूँ।